दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। दोस्तों बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही राजा हिंदुस्तानी तो आप सभी ने देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म ही नहीं बल्कि इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट हुए थे और आज भी लोग इस फिल्म को खूब पसंद करते हैं। दोस्तों यदि आपको भी ये फिल्म अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों इस फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान और अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने लीड रोल किया था और इस फिल्म के निर्देशक थे धर्मेश दर्शन। दोस्तों इस फिल्म में बेस्ट एक्टिंग करने के लिए आमिर खान और करिश्मा कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस शरारती बच्चे की जो राजा हिंदुस्तानी फिल्म में आमिर खान के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बच्चा यानी कि ये नटखट सा बच्चा काफी बड़ा हो गया है और बॉलीवुड का जाना माना स्टार भी बन गया है। इस छोटे बच्चे का नाम कुणाल खेमू है जो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक है। कुणाल खेमू ने साल 2015 में अभिनेता सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान से शादी की और आज उनकी एक बेटी भी है। कुणाल खेमू को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और बचपन से ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। कुणाल को एक्टिंग का पहला ब्रेक वर्ष 1987 में दूरदर्शन के टीवी सीरियल गुल गुलशन गुलफाम में मिला था और उन्हें बॉलीवुड फिल्म में पहला ब्रेक महेश भट्ट की फिल्म सिर जो कि 1993 में आई थी उससे मिला था। कुणाल ने अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, बॉबी देओल जैसे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया है। तो दोस्तों फिलहाल कुणाल खेमू फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाली उनकी कई फिल्में हैं जिसके बारे में आप सभी को जल्द ही पता चल जाएगा। दोस्तों कुणाल खेमू के बचपन की एक्टिंग आपको कैसी लगी थी आप जरूर हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।